दोस्तों, ऑरम किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे बीटरूट फ्राइड राइस, जो बच्चों के टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने पैन को गैस पर रख लिया है। मैं लूंगी एक चम्मच देसी घी, आप चाहें तो ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो मैं डालूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 प्याज जिसको हमने एकदम बारीक काट लिया है, हमें इन्हें बहुत कम भूना है, 1 मिनट से भी कम भूना है। तो मैं ऐड करूंगी बीटरूट, यहां हमने बीटरूट को कद्दूकस कर लिया है। और हम प्याज के साथ ही इसको भूनेंगे। बीटरूट बहुत जल्दी पक जाता है तो हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। मेरे पास है कद्दूकस किया हुआ नारियल और थोड़े से काजू। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से चलाएंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। मैं मिलाऊंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 कप है। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। वाओ, नारियल और बीटरूट की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और देखिए कलर क्या बढ़िया निकल के आया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी कुछ स्प्रिंग अनियंस बारीक कटे हुए। तो ये बीटरूट फ्राइड राइस तैयार है, चलिए सर्व कर लेते हैं। तैयार है ये बढ़िया बीटरूट फ्राइड राइस। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑरम्स किचन।